हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास नाइन्थ पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 5 वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन के क्वेश्चन आंसर्स। पहला क्वेश्चन है, इफ़ यू आर इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजंस कैन यू टेक ऑन योर ओन। अगर आप प्रेसिडेंट के तौर पर इलेक्ट हो जाते हैं तो ऐसे कौन से डिसीजन हैं जो आप खुद ब खुद ले सकते हैं। तो देखिए, इसका आंसर है एज फॉर reconsideration of a bill passed by both the houses। अगर दोनों houses ने bill pass कर दिए हैं, दोनों house कौन से, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। अगर इन्होंने दोनों ने bill pass कर दिए हैं बट president हैं आप और आपको ठीक नहीं लग रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि दोबारा से इन bill पे ध्यान दो, दोबारा से इनको consider करो, ठीक है। तो C इसका option सही हो जाएगा। बाकी ये जो है सेलेक्टिंग द पर्सन यू लाइक इज प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर नहीं, प्राइम मिनिस्टर जो है वो वोट से सेलेक्ट किया जाता है, जिसको लोग पसंद करते हैं, वोटिंग के बाद प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। डिसमिस द प्राइम मिनिस्टर हु हैज़ मेजोरिटी इन लोकसभा, नहीं, आप अगर माइनॉरिटी में हैं, मतलब उसके पास सीटें कम हैं प्राइम मिनिस्टर के पास, तो प्रेसिडेंट डिसमिस कर सकते हैं, बट मेजोरिटी है लोकसभा में तो डिसमिस नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट पॉइंट है, नॉमिनेट द लीडर्स ऑफ योर चॉइस टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, नहीं, नॉमिनेट आप प्रेसिडेंट नहीं करते हैं, मिनिस्टर ऑफ जो काउंसिल में मिनिस्टर्स है ना, वो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है, देखिए एग्जीक्यूटिव ना दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव और एक होते हैं टेम्परेरी। जो टेम्परेरी होते हैं ना, इन्हीं को ही हम पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कहते हैं। एग्जीक्यूटिव वो होते हैं जो लॉज बनाने का काम करते हैं, लॉज बनाने का भी और इम्प्लीमेंटेशन का भी काम करते हैं। तो जो मिनिस्टर्स होते हैं ना, जैसे कि डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, ये सारे के सारे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं। तो एक होम मिनिस्टर है इसमें जो कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, बाकी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, सेक्रेटरी ऑफ ये और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ये सारे के सारे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव नहीं है, ये सारे परमानेंट एग्जीक्यूटिव हैं। यूपीएससी के एग्जाम्स के बाद इनका सिलेक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द जुडिशरी इज फॉल्स। जुडिशरी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो पहला, एवरी लॉ पास्ड बाय द पार्लियामेंट नीड्स अप्रूवल ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट, नहीं, कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं है, बस सुप्रीम कोर्ट तब देखता है अगर उसको कोई गड़बड़ लगती है किसी लॉ में। तो हर लॉ के पास होने की, मतलब पार्लियामेंट से पास हो गया हर लॉ को सुप्रीम कोर्ट को अप्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो फर्स्ट वाला जुडिशरी का काम नहीं है। बाकी तीन जो हैं पॉइंट्स, ये जुडिशरी के काम हैं, जैसे कि जुडिशरी कैन स्ट्राइक डाउन अ लॉ ऑफ इट गोज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर सरकार ने कोई ऐसा कानून पास कर दिया है जो कॉन्स्टिट्यूशन के ही खिलाफ जा रहा है, तो जो जुडिशरी है ना वो उसको स्ट्राइक डाउन कर सकती है, उसको हटा सकती है। जुडिशरी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव, क्या जुडिशरी बिल्कुल अलग है एग्जीक्यूटिव से? हाँ, सही बात है। एनी सिटीजन कैन अप्रोच द कोर्ट्स इफ़ हर राइट्स आर वायलेटेड। हर कोई सिटीजन क्या कोर्ट में जा सकता है अगर उसके अधिकारों का हनन होता है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस कैन मेक चेंजेस टू एन एग्जिस्टिंग लॉ ऑफ अ कंट्री। कोई सा भी लॉ है देश में तो उसे सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट ही चेंज कर सकती है और कोई नहीं चेंज कर सकता पार्लियामेंट के अलावा। मैच द फॉलोइंग है, तो देख लेते हैं इसमें, पहले आप आंसर्स देख लीजिए। ए का 4 है, बी 5, सी 2, डी 3 और ई 1। अब समझ लेते हैं। तो ए वाला जो पॉइंट है इसमें, अ न्यू पॉलिसी इज बीइंग मेड टू इंक्रीज द जूट एक्सपोर्ट। तो एक नई पॉलिसी बनाई गई है कि जूट के एक्सपोर्ट को हमें इंक्रीज़ करने के लिए, तो ये कौन बनाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है ना, वो इंपोर्ट हो गया, एक्सपोर्ट हो गया, इंडस्ट्रीज़ किस तरीके से काम कर रही हैं वो देखती हैं। तो जूट का एक्सपोर्ट बढ़ाना है, ये कौन करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ये डिसीज़न लेगी। फिर जो बी है उसका है 5। बी पॉइंट आता है हमारा, टेलीफोन सर्विसेज विल बी मेड मोर एक्सेसिबल टू रूरल एरियाज। मतलब टेलीफोन सर्विसेज गांव तक पहुंचाई जाएंगी, ये डिसीजन कौन लेगा? तो ये डिसीजन लिया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। फिर है सी जो है, सेकंड सी वाला जो पॉइंट आया है उसका आंसर सेकंड है। सी है, द प्राइस ऑफ राइस एंड वीट सोल अंडर द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम विल गो डाउन। मतलब जो PDS सिस्टम होता है, राशन की शॉप्स होती हैं, इसमें जो अनाज की कीमत है, प्राइस है, वो कम होना चाहिए। ये मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर जो है ना, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर जो है, ये डिसाइड करते हैं। और फिर नेक्स्ट है हमारा जो डी वाला है उसका है थर्ड। डी है, देखिए, ऑल अ पल्स पोलियो कैंपेन विल बी लॉन्च्ड।
पल्स पोलियो का कैंपेन तो हेल्थ मिनिस्ट्री जो है वो लॉन्च करवाएगी, तो इसका आंसर सी वाला, थर्ड वाला हो गया। फिर है द अलाउंस ऑफ द सोल्जर्स पोस्टेड ऑन द हाई ऑल्टीट्यूड विल बी इंक्रीज। अलाउंस मतलब पैसा जो है जो काफ़ी ऊंचाई पर, जैसे कि सियासिन ग्लेशियर में अगर कोई पोस्टेड है तो उनकी सैलरी वगैरह बढ़ाई जाए, ये कौन डिसीजन लेगा? तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ये काम करती है, आर्मी से रिलेटेड काम सारा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ही देखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ऑफ ऑल द इंस्टीट्यूशन दैट वी हैव स्टडीज इन दिस चैप्टर नेम द वन दैट एक्सरसाइजेज द पावर ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स। तो एक इंस्टीट्यूशन बताना है जो ये सारे के सारे पॉइंट्स पे, जो पॉइंट्स हमें गिवन है इसमें डिसीजन कौन लेगा। तो डिसीजन ऑन एलोकेशन ऑफ मनी फॉर डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड्स, इरीगेशन एक्सेट्रा एंड डिफरेंट वेलफेयर एक्टिविटीज़ फॉर सिटीजन्स। तो अलग अलग वेलफेयर सिटीजन्स, जैसे कि जनधन योजना हो गया, उज्ज्वला योजना हो गई, कि किस तरीके से सड़कें बनाई जाएंगी, इरिगेशन सिस्टम होगा, ये सब कौन डिसाइड करता है? कैबिनेट या फिर आप एग्जीक्यूटिव भी बोल सकते हैं, कैबिनेट या फिर एग्जीक्यूटिव, दोनों आंसर्स आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंसिडर द रिकमेंडेशन ऑफ अ कमिटी ऑन अ लॉ टू रेगुलेट द स्टॉक एक्सचेंज। तो रिकमेंडेशन ऑफ कमिटी ऑन अ लॉ, कानून है ना, लॉ सारे के सारे देखने का काम पार्लियामेंट ही करता है। स्टॉक एक्सचेंज होती है जो, ये जो शेयर मार्केट होता है ना, ये स्टॉक एक्सचेंज होता है कि कौन सी कंपनी के शेयर्स बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, और इस पर अगर कोई भी लॉ बनाना है तो वो पार्लियामेंट ही देखेगी। नेक्स्ट पॉइंट है डिसाइड्स ऑन लीगल डिस्प्यूट बिटवीन द स्टेट्स। लीगल डिस्प्यूट होता है कि मान लीजिए कोई स्टेट है, सपोज करिए तमिलनाडु है, तमिलनाडु की लड़ाई हो गई सेंटर से, या फिर तमिलनाडु और कर्नाटक की लड़ाई हो गई, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो इन दोनों के बीच का झगड़ा सॉल्व करने का काम होता है सुप्रीम कोर्ट का। नेक्स्ट है इम्प्लीमेंट द डिसीजन टू प्रोवाइड रिलीफ फॉर द विक्टिम्स ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के विक्टिम्स हैं, उनको रिलीफ प्रोवाइड करनी है तो परमानेंट एग्जीक्यूटिव, परमानेंट एग्जीक्यूटिव जैसे कि DM, SDM, ठीक है, ये सारे के सारे रिलीफ प्रोवाइड करने का काम करते हैं, मतलब इम्प्लीमेंट करते हैं डिसीजन को, सरकार ने फैसला ले लिया और ये लोग एग्जीक्यूट करते हैं, परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज़ द प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया नॉट इलेक्टेड बाय पीपल। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर एंड गिव रीजंस फॉर योर चॉइस। तो प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं हम लोग डायरेक्टली इलेक्ट नहीं करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग MP चुनते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनते हैं एक पार्टी के, जैसे कि BJP हो गया, BJP के बहुत सारे हमने MP चुने और उन बहुत सारे MPs ने मिल करके हमारे लिए प्राइम मिनिस्टर चुन दिया। तो भाई ऐसा क्यों है, इसका आंसर हमें देखना है, क्योंकि भाई इंडिया में ना पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो है वो फॉलो की जाती है, और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में इसी तरीके से इलेक्शंस होते हैं। इन अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ओनली द लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी इन लोकसभा कैन बिकम प्राइम मिनिस्टर। तो जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होते हैं ना उसमें हम लोग डायरेक्ट प्रेसिडेंट को इलेक्शन में वोट देते हैं, जैसे कि US हो गया, श्रीलंका हो गया, वहाँ पे प्रेसिडेंट डायरेक्ट इलेक्शंस में वोट लेते हैं, बट हमारे देश में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, इसमें क्या होता है बहुत सारे MPs जो होते हैं वो मिलकर के अपना एक हेड, अपना नेता चुनते हैं जिसको हम लोग प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं। तो लोकसभा में जिसकी मेजॉरिटी होती है, मेजॉरिटी पार्टी के जो लीडर होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और वही जो है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इसी तरीके से काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्री फ्रेंड्स वॉन्ट टू वॉच अ फिल्म दैट शोड द हीरो बींग चीफ मिनिस्टर फॉर अ डे एंड मेकिंग बिग चेंजेस इन द स्टेट। इमरान सेड दैट इज़ वॉट द कंट्री नीड्स। रिजवान सेड द काइंड ऑफ पर्सनल रूल विदाउट इंस्टीट्यूशंस इज डेंजरस। शंकर सेड ऑल दिस इज अ फैंटेसी, नो मिनिस्टर कैन डू एनीथिंग इन वन डे। वट वुड बी योर रिएक्शन टू सच अ मूवी। तो देखिए एक मूवी आई थी नायक, आई गेस नाम था उसका, तो उसमें ये था कि एक दिन के लिए एक हीरो को चीफ मिनिस्टर बना दिया जाता है, उसमें वो दिखाते हैं कि बड़े सारे चेंजेस कर देते हैं, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि सिर्फ एक चीफ मिनिस्टर अपनी मर्जी से सारे डिसीजन नहीं ले सकते हैं। तो ये सब रियल लाइफ में होना बहुत मुश्किल है। वाइल इट मे लुक गुड इन अ मूवी, इन रियल लाइफ इट इज़ डिफरेंट। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। गवर्नेंस इन अ डेमोक्रेसी इज़ अबाउट टेकिंग एवरीवन अलोंग। गवर्नेंस जो होती है ना हमारे देश में, जिस तरीके से सरकार चलती है डेमोक्रेसी में, वो हर किसी को साथ में लेकर के चलना पड़ता है। इन अ लार्ज एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया इट इज़ नॉट पॉसिबल टू टेक डिसीजंस ऑन विम्स ऑफ वन इंडिविजुअल। विम्स होता है कि एक इंडिविजुअल अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकता है। एक डेमोक्रेसी में हर किसी को साथ में लेकर चलना होता है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ डिसीजन नीड्स कोऑर्डिनेशन अमंग वेरियस ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट एंड अ मिनिस्टर इज जस्ट अ पार्ट ऑफ सिस्टम। तो मिनिस्टर जो है सिर्फ एक सिस्टम का पार्ट होता है, बाकी सारे जो चीफ मिनिस्टर के अलावा बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं, जैसे डिफेंस मिनिस्टर हो, सॉरी स्टेट में डिफेंस नहीं होता है, जैसे कि
फाइनेंस मिनिस्टर हो गया, लॉ मिनिस्टर हो गया, है ना, तो इन सब का भी साथ लेना पड़ता है। अ टीचर वॉज मेकिंग प्रेपरेशंस फॉर अ मॉक पार्लियामेंट। मॉक पार्लियामेंट का मतलब है जैसे हमारे देश की जो पार्लियामेंट है इसके जैसी ही स्टूडेंट पार्लियामेंट बनेगी, इस तरीके का एक प्रिपरेशन चल रहा होता है। शी कॉल्ड टू स्टूडेंट्स टू एक्ट एज लीडर्स ऑफ टू पॉलिटिकल पार्टीज, दो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर बनने के लिए दो लोगों को बुलाया गया। शी गेव देम ऑप्शन, एक ऑप्शन उनको दिया गया, ईच वन कुड चूज टू हैव मेजोरिटी ईदर इन लोकसभा और इन राज्यसभा, इफ दिस चॉइस वॉज गिवन टू यू विच वन वुड यू चूज एंड वाई। तो दोनों को ऑप्शन दिया गया कि उनको लोकसभा में मेजोरिटी चाहिए राज्यसभा में, तो भाई हमेशा लोकसभा में चाहिए होती है, उसी से प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। तो आई वुड चूज टू हैव अ मेजोरिटी इन लोकसभा, द लीडर ऑफ लोकसभा इज डायरेक्टली आंसरेबल टू द पब्लिक एंड हैंस इट कैन बी क्वाइट चैलेंजिंग फॉर हिम, और यही सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है एक डेमोक्रेसी में। तो लोकसभा में की ही मेजोरिटी में आपको फायदा होगा अगर आपको प्राइम मिनिस्टर बनना है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर रीडिंग द एग्जाम्पल ऑफ द रिजर्वेशन ऑर्डर थ्री स्टूडेंट्स हैड डिफरेंट रिएक्शंस अबाउट द रोल ऑफ द जुडिशरी, विच व्यू अकॉर्डिंग टू यूज करेक्ट रीडिंग द रोल ऑफ जुडिशरी। तो आपने कुछ चीज़ें पढ़ी और जुडिशरी का जो रोल है उसके बारे में आपको बताना है, तो देखिए थर्ड वाला सबसे सही है, जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट, बिल्कुल इंडिपेंडेंट है ना, एग्जीक्यूटिव ना ही लेजिस्लेचर उसको कुछ कह सकता है, बिकॉज इट कुड हैव गिवन अ वर्डिक्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑर्डर, गवर्नमेंट ने जो ऑर्डर किया है उसके खिलाफ भी जुडिशरी अपना वर्डिक्ट मतलब अपना वो होता है ना फैसला दे सकती है। सुप्रीम कोर्ट डिड डायरेक्ट द गवर्नमेंट टू मॉडिफाई इट, मतलब कह सकती है, कैन डिक्टेट और डिक्टेट नहीं डायरेक्ट, मतलब कह सकती है कि भाई आपने गलत काम किया है, लॉ आपका गलत है, आप इसको ठीक करो। तो ये हमारे क्वेश्चन आंसर्स हो गए इस चैप्टर के। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइए, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।